दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पौंटा साहिब। द ग्रेट सिरमौर रन 3 के दौरान पौंटा साहिब पहुंचे अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथनर सुनील शर्मा ने आम जनता सहित जिला के उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि वे भी जरूरतमंद बीमार लोगों की मदद के लिए आगे आएं। सुनील शर्मा ने कहा कि नाहन और पौंटा साहिब सहित रास्तों में पढ़ने वाले स्कूलों में बच्चों और स्टाफ ने इस चैरिटी में भरपूर सहयोग किया है और उन्हें भरोसा है कि मंगलवार को शिलाई क्षेत्र के लोग भी उनका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को भी ऐसे कार्यों में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। मंगलवार सुबह सुनील शर्मा अपने साथियों के साथ पौंटा साहिब के कई स्कूलों में गए जहां उन्हें सहयोग मिला। उसके बाद वे शिलाई के लिए रवाना हुए। जो वहाँ पे पावर हाउस है उन लोगों ने सब ने चैरिटी इकट्ठा करके उन्हें वहाँ स्पेशली बुलाया। अनुभव सिंह जी ने वहाँ पे सब लोगों को ये मैसेज दिया था कि हमें रन करते हुए आए। उन लोगों ने हमारे जाने से पहले ही वहाँ पर चैरिटी कर चुके और ये ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास हमारा रन रहेगा। ये हमने आज शुरू किया है, सुबह 9 तारीख को हम नाहन चौगान में फिनिश करेंगे और वहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जा रही है जिसमें कि बहुत सारे सिंगर और कॉमेडियन और एंकर लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी, ए सी भारद्वाज जी, दिनेश शर्मा जी और एच डी ब्रदर्स, एंकर संजय ठाकुर जी, विनय चौहान जी और कॉमेडियन पुलिस गर्ल, ये सब लोग वहाँ पे शिरकत करेंगे। और मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप 9 जून को नाहन में आइए और इस कैसा बनी और जो हमारा मिशन है हम उस पर तभी कामयाब हो पाएंगे जब आप सबको कस्ट करेगा। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मैं शिलाई वालों का, वहाँ पे उसे दिनेश ही, उन्होंने हमारे बैनर्स, डोनेशन बॉक्स, वहाँ पे हर जगह उन्होंने हमारी पब्लिसिटी का फोकस करना था। बट अभी जब क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, पर मुझे हैरानी इस बात की होती है कि लोगों तक वो स्कीम ही नहीं पहुँच पाती। इस बार हमारा ये भी टारगेट है कि हम अपने रन के माध्यम से जहाँ भी जा रहे हैं स्कूल के बच्चे को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में सबको बताइए कि जो हिम केयर और आयुष्मान है ये प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। अभी 20 जून तक ही डेट एक्सटेंड कर देंगे हिम केयर की। और हम स्पेशली मैं एक सब जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाइए। और एक 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आ रहा है हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के साथ। फॉरेस्ट वालों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम इसमें प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों को। तो हमारा एक कमी नहीं कहते कि अगर हम 10,000 पौधे लगाएंगे 10 के 10 इस मौसम में कामयाब हो जाएंगे। अगर 10 भी पौधे कामयाब होते हैं तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पौंटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग को फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पौंटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।